डीसा सहित समग्र बनासकांठा जिल्ला में संयुक्त कर्मचारी मोर्चा द्वारा सरकार सामे विरोध दर्शावायो हतो, जेमां सरकार द्वारा जूनी पेन्शन योजना अमल में लावी तेमज 45 वर्ष की मर्यादा बाद खाताकीय परीक्षा में मुक्ति आपवी आ प्रश्न ने लईने विरोध करायो। जो कि सरकारे आ तमाम मांगणी स्वीकारी हती अने चूंटणी पछी ठराव करवानी बाहेधरी आपी, परंतु चूंटणी पत्या पछी पण 7 महीना जेटलो समयगाळो वीती गया छतां सरकारे कोई ज आ बाबते ध्यान आप्युं नथी के पछी ठराव पसार नथी कर्यो, जेथी कर्मचारीओ सरकार सामे आंदोलननुं शस्त्र ગામ્યું છે। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन्मदिवस की समग्र देश में अलग अलग रीते उजवणी कराई छे, त्यारे इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी राज्य में 73 जग्या पर प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोलशे। केन्द्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया और ऋषिकेश पटेल सोला सिविल हॉस्पिटल में हाजर रही जन औषधि केन्द्र शुरू करशे। शहरी विस्तार तेमज अंतरियाळ विस्तार में केन्द्र शुरू कराशे, साथ ज डॉक्टरों पर जेनरिक दवा लखेती माटे इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पत्र लखी जाण करवामां आवशे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया साहेब अने ऋषिकेश भाई साहेब स्टेट मंत्री स्टेटना माथी रिप्रेजेंट करवाना छे, अने 73 जेटला स्टोर एमा 35 जेटला अर्बन विस्तार में छे, 25 जेटला आदिवासी विस्तार में छे, अने 13 जेटला जे छेवाड़ाना गामो बाजू छे, एम टोटल 73 स्टोरनू काले जन औषधि सेंटरनू काले उद्घाटन छे। आगामी गणेश चतुर्थी और विसर्जन की प्रक्रिया ने लई सूरत महानगरपालिकाए 9 झोन में 20 कृत्रिम तळाव बनावानी तैयारी करी, जेने लई सूरत नवनियुक्त मेयर दक्षेश पावाणी सहित नवनियुक्त तमाम पदाधिकारी सूरत चौक बजार पर कृत्रिम तळाव निरीक्षण करवा माटे पहोंच्या हता। पालिकाए कृत्रिम तळाव बनावानी साथे तमाम प्रकारनी व्यवस्थाओ पण करी, ज्यां 5 फूट सुधीनी पीओपी अने माटीनी प्रतिमानुं विसर्जन कराशे। आ वर्षे अंदाजित 60,000 થી 65,000 પ્રતિમાઓની સ્થાપના થવાનો અંદાજ છે, જેને લઈ 5 ફૂટથી વધુની ઊંચાઈ ધરાવતા પ્રતિમાઓના વિસર્જન માટે હજીરા દરિયાકાંઠે કૃત્રિમ તળાવ ગોઠવવામાં આવશે।